कल पहुंच गया था यहाँ पे नोएडा अपने दोस्त के घर। ठंड यहाँ कंपैरेटिवली पंजाब से थोड़ी सी कम है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इंट्रोड्यूसिंग लेक्सी, जीशांस पेट। लेक्सी है एक टॉम कैट और बेचारा काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, और डे 3 स्टार्ट हो गया हमारे ट्रिप का। और एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, जो हमारा आज सुबह हमें निकल जाना चाहिए था 5 बजे कुंभलगढ़ के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये आई है कि जैसे लेक्सी मैंने आपको मिलवाया था जीशान की कैट से, वो कल से कुछ खा पी भी नहीं रहा है और उसके यूरिन में ब्लड आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो कल हम उसको लेके गए थे वेटनरी डॉक्टर के पास, और वेटनरी डॉक्टर ने कुछ ब्लड सैंपल्स लिए थे, जो अब सुबह उसकी रिपोर्ट उसने हमें भेजी है वो आई है नॉर्मल, लेकिन अब हम उसका करवाने जा रहे हैं एक्सरे। तो इस तरह से बीमार लेक्सी को हम घर पे छोड़ के नहीं जा सकते थे और अपने साथ भी नहीं लेके ट्रेवल कर सकते थे, तो इसलिए पहले हमने सोचा उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे और अपना ट्रिप हम उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो अभी जा रहे हैं हम उसका एक्सरे करवाने, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, क्योंकि हो सकता है, डॉक्टर ने बताया है कि उसको किडनी में स्टोन है, हो सकता है। तो अगर उसकी किडनी में स्टोन हुआ या ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर तो हो सकता है हमें ट्रिप कैंसिल भी करना पड़े, लेकिन अगर ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हुई तो हम अपने ट्रिप को मे बी आफ्टर 12 or 1 o'clock हम कंटिन्यू करेंगे। पहुँच गए हैं फिर कृष्णा लाइफलाइन वेटनरी हॉस्पिटल सेक्टर 122 नोएडा लेक्सी को लेके। लेक्सी, यूरिन में ब्लड आ रहा है इसके, और पानी भी नहीं, बिल्कुल भी पी रहा, बिल्कुल पानी नहीं पी रहा। तो इस तरह से अल्ट्रासाउंड हो रहा है लेक्सी का। तो अल्ट्रासाउंड से जो पता चला है वो ये पता चला है कि इसके यूरिनरी ब्लैडर में है स्टोन, एक से ज्यादा स्टोन है ना डॉक्टर साहब। तो अब इसका एक्सरे भी होगा, क्योंकि एग्जैक्ट साइज एक्सरे से पता चलेगा कि स्टोन का साइज क्या है। तो टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं शाम के, और अब हम जा रहे हैं राजस्थान की तरफ। तो लेक्सी को सेट करते करते यार लग गया थोड़ा सा टाइम। अब लेक्सी हो गया अपना नेबर्स के घर पे सेट, तो हम भी थोड़ा सा फ्री माइंड हो गए, क्योंकि वो बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं लेक्सी की। दवाइयां हमने उन्हें समझा दिया है किस तरह से देनी है, फ़ोन पे हम उसका पूछते रहेंगे कैसा है कैसा नहीं। तो प्लान में थोड़ा सा चेंज, ऑब्वियसली अब कुंभलगढ़ तो हम जा नहीं पाएंगे, कुंभलगढ़ जाने में लगते हैं यहाँ से 12 घंटे। तो आज हम रुकेंगे रात को जयपुर, जयपुर में रात स्टे करने के बाद कल हम जाएंगे सांबर लेक, और अगर हो सकता है प्लान थोड़ा सा और भी चेंज हो जाए, क्योंकि हम प्लान को रखते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल, तो हो सकता है कल को कोई और प्लान बन जाए, लेकिन आज का जो प्लान है आज तो हम जयपुर ही जा रहे हैं, ये तो फाइनल है ना। तो देखते हैं आगे जाके गुड़गांव का ट्रैफिक कैसा होगा, और अभी तो पूरा दिल्ली क्रॉस करना है, फरीदाबाद क्रॉस करना है, देखते हैं कैसा जाने वाला है आगे का ट्रैफिक में सफर हमारा। क्यों, गाड़ी तो तू ही चला रहा है ट्रैफिक में? ट्रैफिक का सुनते मैंने कार की ड्राइविंग छोड़ दी और कार चला रहा है अब जीशान, तो मतलब जैसे ही दिल्ली का ट्रैफिक क्रॉस करेंगे तो वापस स्टीयरिंग व्हील पे। ना 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 ना, 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 ना। मैंने गाड़ी नहीं रोकनी। तो या तो गाड़ी ये जयपुर तक रुकेगी नहीं, अगर रुकेगी तो फिर ड्राइव मैं करूंगा वहां से। देखते हैं, लेट्स सी।
घंटे ड्राइव करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं भिवाड़ी से थोड़ा सा आगे। बहुत ज्यादा ट्रैफिक था यार, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक था। थक गए हैं, मतलब सिर्फ 3 घंटे चलाया लेकिन थक कुछ ज्यादा ही गए हैं, और रात भी हो गई है। अब पहुंचे हैं यहाँ पे किसी रोड साइड होटल पे, क्योंकि भूख बहुत तो क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग रही थी तो इसलिए हमने हमसे रहा नहीं गया। जहाँ हमें पहला ढाबा दिखाया हम वहाँ पे रुक गए हैं और यहाँ पे खाएंगे खाना और इसके बाद सीधा अगली ब्रेक लगाएंगे जयपुर। आप बताओ सब कुछ हमने तो आप पे छोड़ दिया। देखो हम जहाँ जाते हैं जिस शहर में जाते हैं बिल्कुल वैसा खाना खाते हैं और जो हमें जैसा खिला दे खुश होकर खाते हैं। तो अंकल बताओ आप हमें क्या खिलाओगे? तो हमारे लिए आ रही लच्छा परांठा और सेव भाजी। तो टाइम हो रहा है 10:30 और हम पहुंच गए हैं जयपुर। जयपुर में हम रुकेंगे अब अपने रईस भाई के घर और यहाँ से सुबह निकलेंगे कुंभलगढ़ के लिए। सोचा तो यही है कि अर्ली मॉर्निंग चलेंगे लेकिन अब सुबह उठेंगे जब जितने बजे भी उठेंगे तब पता चलेगा कि कितने बजे निकल रहे हैं। तो मिलते हैं फिर कल सुबह। शाबाश।